इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि कैसे हम दो इंटीजर्स को ऐड कर सकते हैं C++ की हेल्प से। तो देखते हैं कि कैसे हम प्रोग्राम लिख सकते हैं C++ का दो इंटीजर्स को ऐड करने के लिए। सबसे पहले हम हेडर फाइल्स को इंक्लूड कराएंगे। तो यहाँ पर हमें हेडर फाइल जो इंक्लूड करनी है वो है iostream। तो हैश इंक्लूड iostream। उसके बाद यहाँ पर हम नेम स्पेस को ऐड करेंगे जो कि है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। फिर यहाँ पर हम अपना मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे। मेन फंक्शन यहाँ पर रिटर्न कर रहा है एक इंटीजर वैल्यू को, इसीलिए मैंने उसके आगे इंट डेटा टाइप दिया है, बिकॉज जो हमारा मेन फंक्शन है वो एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। जो भी चीज़ें हैं जैसे कि वेरिएबल का डिक्लेरेशन है, फंक्शंस का यूज़ है, वो सब हम अपने मेन ब्लॉक में करते हैं। जो भी हमारे प्रेसेस हैं मेन के, इसके अंदर हम अपना मेन का जो भी कोड है वो हम लिखते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले वेरिएबल का डिक्लेरेशन करेंगे। जैसे कि ये प्रोग्राम दो इंटीजर्स को ऐड करने का है, तो मुझे दो इंटीजर्स को यूज़र से इनपुट कराना होगा, तो उसके लिए मुझे दो वेरिएबल्स लगेंगे उन्हें स्टोर कराने के लिए। तो यहाँ पर मैं इंट डेटा टाइप के दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देती हूँ, n1 एंड n2। अब जैसे कि ये सम का प्रोग्राम है, तो दोनों नंबर्स को सम करना होगा और उसके बाद एक वेरिएबल के अंदर उनको स्टोर कराना होगा। तो यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं सम। उसके बाद यहाँ पर मैं सी आउट का यूज़ करूँगी और उसकी हेल्प से हम एंटर कराएंगे यूज़र से दो नंबर्स। बेसिकली जो सी आउट है वो हेल्प करता है हमारे आउटपुट को स्क्रीन पे प्रिंट कराने में। सो सी आउट हम यहाँ पर लिखेंगे एंटर टू नंबर्स। उसके बाद हम यहाँ पर लगा देंगे सेमी कॉलन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप जब भी कोई स्टेटमेंट C++ के अंदर लिखते हैं तो हमेशा उसको आपको एंड करना है बाय यूजिंग सेमी कॉलन। बिकॉज जो ये सेमी कॉलन है ये हमारे कंपाइलर को बताता है कि हमारी जो ये स्टेटमेंट है वो यहाँ पर ख़त्म हो गई है। तो हर एक जो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होती हैं वो टर्मिनेट होती हैं बाय यूजिंग दिस सेमी कॉलन। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे cin। cin की हेल्प से हम जो यूज़र ने हमें इंटीजर्स दिए हैं तो उन्हें हम अपने वेरिएबल्स में स्टोर कराते हैं। सो यहाँ पर हम उन्हें स्टोर करा लेते हैं n1 और n2। उसके बाद यहाँ पर हमें दोनों को ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा दूंगी सम इज इक्वल टू n1 + n2। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो सम है वो आ चुका है, n1 और n2 दोनों ऐड होके सम वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गए हैं। तो अब हम यहाँ पर उसको प्रिंट करा देंगे विद द हेल्प ऑफ सी आउट, सम ऑफ टू इंटीजर्स इज, यहाँ पर लिख देंगे हम सम और यहाँ पर लिख देंगे हम एंडल। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो मेन फंक्शन है वो एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे हमें रिटर्न देना होगा 0, एक इंटीजर वैल्यू। बेसिकली रिटर्न जो है वो हमें ये बताता है कि हमारा जो मेन फंक्शन है वो यहाँ पर एंड हो गया है। अगर आप रिटर्न के बाद कुछ भी लिखते हैं, कोई भी स्टेटमेंट आप लिखते हैं, तो वो एक्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि रिटर्न जब आ गया तो रिटर्न का मतलब है हमारा जो मेन फंक्शन है वो यहाँ पर फिनिश हो चुका है। सो अब ये हमारा प्रोग्राम जो है वो बन चुका है। तो अब हम इसको देख लेते हैं एक्जीक्यूट करके। तो सबसे पहले हम सेव करेंगे अपने प्रोग्राम को, Ctrl+S। तो अब मैं यहाँ पर अपने प्रोग्राम को रन करके देखती हूँ। तो मैंने रन किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे बोल रहा है एंटर टू नंबर्स। तो मैंने यहाँ पे दो नंबर एंटर कर दिए, 12 और 4। सो सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज 16। तो मेरा जो सम है वो 16 आ गया है। सो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ आया होगा। थैंक यू।